अगर 500 रुपए लीटर भी हो जाएगा पेट्रोल, हम फिर भी होगी कोई वोट देंगे। आप ऐसी बात बोल रहे हैं, लोग कहेंगे भाई ये तो अंधभक्त है। आजकल अब बात चल रही है जो 500 कहता है 100 कहता है वो तो अंधभक्त है। अंधभक्त तो मतलब ही नहीं है इस बात का कुछ भी। कानून व्यवस्था बिल्कुल फिट चल रही। इतने पैसे तो हमारे मोटर चोरी में लग जाएगा, स्टार्टर चोरी में जितने काम पेट्रोल फूकेंगे साल भर में, उससे तो पीछा छूट रहा है हमारा। समय पर काम हो रहा है, जिस समय चाह जहाँ चाह वहाँ चले जा, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे लिए तो यही भला, हमारे बच्चे सुरक्षित है सबसे बड़ी बात तो। यार लड़की किसी टाइम किसी कहीं चली जाओ अपना स्कूल भी स्कूल में, और नहीं भाई रस्ते में आने जाने के भी धर्म खराब हो गए थे। उन्होंने इतना जातिवाद फैला दिया था यहाँ से अखिलेश सरकार में, सारा का सारा मुसलमान रिक्शा वाला भी एक चक्कू काट कर खड़ा हो जाया कर रहा था। कहने लगा 20 में जम्मा भाई देता हो दे दे, वहां तैयार करने का करता 20 दिन ने अभी बुलाऊ मंत्री जी को। चक्कू काट ले कर था। तो क्या जब चुनाव आएगा लोगों के बात में बात याद रहेगी दिमाग में कि ऐसा होता था पहले? हाँ बिल्कुल रहेगी जी, ना रहने का तो मतलब ही नहीं है कुछ भी। ओबीसी की भी एंट्री हो गई है। ओबीसी की एंट्री तो बीजेपी को फायदा करेगी और क्या करेगी। ओबीसी को हम भी तो चाह रहे हैं ओबीसी आओ यहाँ से। अच्छा ओबीसी का फायदा यानी कि बीजेपी को? बिल्कुल होगा, करो कट्टरवाद की बात ऐसा लग जाएगा पता हो सकती डाल फरसा बजा फिर यहाँ से। अच्छा हिंदुत्व कितना बड़ा मुद्दा रहेगा चुनाव में? हिंदुत्व का ही मुद्दा है, हिंदुस्तान में हिंदुत्व ही है और है क्या। तो तुम थोड़ा बहुत लोग अपना वर्ग लाकर लोगों को इधर उधर ले जा, अन्य है तो कुछ नहीं है। और कोई कानून व्यवस्था की बात कर रहा है कि कानून व्यवस्था सुधरी है, पहले आप लोगों के साथ क्या दिक्कत आती थी? दिक्कत यह आती थी रात में खेत में नहीं जा सकते थे, बिजली अभी आ गई और अभी भाग गई, और सात दिन खेत में पड़े रहो, उसके लिए हम वहाँ पहरा दे रहे, पानी मिल नहीं रहा, खेतों फसल सूख गई थी। और फिर डर ये रहता कि बदमाश तुम उठा कर ना ले जा, फिर उसके बाद में हमारी फिरौती भी होगी, उसके बाद पैसा लिया जाएगा। अब कह रहे बिजली महंगी होगी। बिजली महंगी होगी कोई बात नहीं यार, मिल तो रही है, उस टाइम मिल नहीं रही थी, पैसा देना पड़ रहा था हम। अच्छा गन्ने को लेकर भी सवाल उठा जा रहा है कि 5 साल में गन्ने पे एक भी पैसा नहीं बढ़ा है। नहीं बढ़े कोई बात नहीं, हाँ जी इस बात की कोई बात नहीं, आगे बढ़ा ना बढ़ा, हाँ वोट फिर भी भाजपा को देंगे। बिल्कुल देंगे जी। जब से ये सरकार आई भाजपा सरकार आई बहुत बदला भाई, बदमाशी खत्म होगी। अन्य पहले के जो लोग मोटर तार लिए, किसी के पट्टे काट लिए, किसी के केबल काट लिए, कहना बदमाशों में कहीं फिरौती होगी। हाँ भाई जंगल में चले गए किसान तो बीड़ी भी खोद ली और पकड़ लिए, तो उनको भाई रोटी भी लाई हमारी नहीं लाए तो साला फिर देखेंगे। सड़क बना दी और क्या चाह, जंगलों में धसे फिर गडों चक्रोड़ों पर गडों से जा रहे और क्या चाह रहा है हम। किसान को क्या चाह, अपनी सुविधा, गन्ना ढोती पर दिक्कत नहीं आ रही और टाइम पर पेमेंट हो रहा, गन्ने का मील समय से पहले चल रही, समय पर अपना बंद हो रही। अच्छा आपने पेमिट की बात की, लोग कहते हैं कि पेमिट नहीं मिला, आपका कौन सा मिल है? हमारा तो मंसूरपुर है जी। तो बिल्कुल सही बताना कि मंसूरपुर का पेमिट कौन सी तारीख तक अब तक आ चुका है? मेरे हिसाब 10 मई तक का आ चुका जी, 16 मई तक का, 16 मई तक का पेमेंट कर चुका रह रहा क्या कुछ भी नहीं। लेकिन किसान कह रहे हैं कि 4-4 महीने हो गए पेमिट ही नहीं मिल रहा। अब हम तो नहीं इस बात को मानते जी, पेमेंट के बारे में भी जिस दिन से सरकार आई पेमेंट अब तक तो किसानों का रुक नहीं पाया। उससे पहले तो साल साल भर धरने चल जाते पेमेंट के लिए, जब नहीं कुछ हो पा रहा था। राकेश टिकेत आपके जिले से आते हैं, असर पड़ेगा कह रहे कि ऐसी दवाई देंगे 2022 में साफ कर देंगे। जो उनके पास है ना, वे जो वहां में चंद आदमी बैठे, ऐसी बात नहीं, किसान है वे भी, हम भी किसान ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है आंदोलन चल रहा है, आंदोलन में हम भी गए, ऐसी बात नहीं है, गए हम भी, पर उस 2022 पर कोई फर्क नहीं पड़ने का। अच्छा बाद में वापस क्यों आ गए आंदोलन से? कौन आपने कहा कि हम भी आंदोलन में गए हैं, अब क्यों नहीं जा रहे? अब भाई हम सारा दिन तो ठहली नहीं है, दो आदमी, हम अपना घर का भी देखना, बहरे का भी देखना, तो उन्होंने बुड्ढे बैठा रखे वहाँ, हम उसमें क्या कर सको, हमारे दोनों बुड्ढा कोई है नहीं, हम भी बैठा देते थोड़े दिन को। अच्छा अगर राकेश टिकेत फिर बुलाएंगे फिर जाएंगे आंदोलन में? नहीं काम ठहली होंगे तो चले जाएंगे, नहीं कोई जरूरत तो है नहीं। हम 15 अगस्त को कह रहे हैं कि झंडा फहराएंगे किसान आएंगे, मेरी एक आवाज पे किसान आ जाता है। झंडा फहराने का मतलब उन्होंने देखा क्या करा पहले, ऐसे झंडे में नहीं हम जाने के, हम झंडे में जाएंगे, तिरंगा जहाँ लहरा होगा वहां से जाएंगे, उस झंडे में जाने के जहाँ से उपद्रव होता हो। आपको कुछ बदलाव दिखाई दे रहा 5 साल में? बदलाव भी हुआ, और रही भाई टिकायत की बात, टिकायत में यहाँ जीत कुछ जीता पाया, जो उसका अपना मसीहा भी यार सारी चीज है, बाकी थोड़ा बहुत उथल पुथल कर दे वो राजनीति के दांव पेच के कारण पड़ा, और नहीं तो और कोई किसान आंदोलन को ज्यादा खर्च पड़ना। अब की बार जयंत चौधरी भी आ रहे हैं। जयंत चौधरी के तो पिताजी हार गए, यहाँ से जयंत चौधरी का क्या फर्क पड़ रहा। अच्छा 5 सितंबर को पंचायत आपके मुजफ्फरनगर में, कह रहे कि ऐसी पंचायत करेंगे कि रिकॉर्ड बना देंगे। पंचायत तो सन 1987 तो महेंद्र सिंह टिकायत करते आ रहे,
जब उनका नहीं मामला खत्म हो गया तो कहते तो नौकरी छोड़ गया यहाँ से, अपना पैसे कमा रहा और मौज ले रहा, उसका नाम मंदा कर रहा बेचारे का, बुढ़े बाबा का। अच्छा क्या लगता है अगर किसान यूनियन अपना उम्मीदवार उतारती है आरएलडी से तो क्या जीत पाएगी? दो बार चुनाव लड़ ले राकेश टिकैत, दोनों बार जमानत जब्त हो ली, दो बार तो कह रहे भीड़ है हमारे पास, पहले भीड़ नहीं थी, अब और भी नीचे चला जाएगा। उसकी काट बैठी है भाजपा में संजीव बालियान, जितना वो इतना ही हो, बराबर काट हो जाएगी। किसान तो परेशान है, कह रहा वोट नहीं देने का भाजपा तो परेशान है। किसान कौन है? किसान तो खेती में करे तो बुढ़े ठाली बैठे, वहां जो थाम बैठ जाएगा उसका क्लेम मांगने लगा, और कौन बैठा है वहां? किसी किसान को लेकर जा रहा, सबके हिले चल रहे, सब अपना काम कर रहे। पिछले 70 साल में कौन सी पार्टी ने हमें क्या दे दिया बताओ, हमें एक भी चीज बता दो। भाजपा ने क्या दे दिया भाई? भाजपा ने और भी कुछ नहीं दिया, हम ये कह रहे हैं हमें भाजपा ने कुछ नहीं दिया, हमें भाजपा ने सुरक्षा दे दी, हम बिल्कुल टेंशन फ्री होगा अपने खेत में जा, हमें यो नहीं है कि कोई हमें वहाँ अपहरण करके बैठा लगा और या हमें पिट्टा छेदेगा, ये सबसे बड़ी बात सुरक्षा की है। अच्छा 2017 में क्या होता था उससे पहले? दिन छिपते ही अगर कोई शहर में है तो गांव वाले फ़ोन कर देते भाई वहीं कहीं रुक जाइए, गाँव में ना आइए, और जो गाँव में उसे कह देते भाई कुछ भी हो रहा हो शहर में बिल्कुल ना आ जाइए, क्यों पता नहीं कहाँ लूट हो जाए कहाँ हो जाए। होया था हमारे साथ एक, थोड़े दिन छिपते ही और रुक के उतरने लगे था, कहला भाई वहाँ बदमाश आ गए, वहाँ बदमाश आ गए, दोपहर में 12 बजते ही खेतों में उनको, आज यहाँ देखे आज यहाँ देखे, सबसे बड़ी बात है हम उस चीज़ से बच रहे। जिस तरीके से महंगाई का मुद्दा भी लगातार उठा जा रहा है कि पेट्रोल देख लो क्या होगा, 100 के पार पहुँचने वाला है, सिलेंडर 850 रुपये का होगा, क्या लगता है महंगाई का मुद्दा बड़ा रहेगा चुनाव में? बड़ी बात तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो लूट होती थी हमारे साथ वो तो नहीं हो रही, उससे तो हम बच रहे। दूसरी बात है आप पेट्रोल मुद्दा थोड़ा बहुत रहेगा, इतना बड़ा नहीं रहने का कि हम इसको सरकार को बदल देंगे पेट्रोल के ऊपर। सबसे भाजपा का इतना मर्तक रहेंगे क्या कहा? अगर 500 रुपये लीटर भी हो जाएगा पेट्रोल, हम फिर भी होगी कोई वोट देंगे। आप ऐसी बात बोल रहे हैं, लोग कहेंगे भाई ये तो अंधभक्त है, आजकल अब बात चल रही है जो 500 कहता है 100 कहता है वो तो अंधभक्त है। अंधभक्त तो मतलब ही नहीं है इस बात का कुछ भी, कानून व्यवस्था बिल्कुल फिट चल रही, इतने पैसे तो हमारे मोटर चोरी में लग जाएगा, तो स्टार्टर चोरी में जितने काम पेट्रोल फूकेंगे साल भर में, उससे तो पीछा छूट रहा है हमारा, समय पर काम हो रहा है, जिस समय चाह जहाँ चाह वहाँ चले जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो महंगाई मुद्दा नहीं रहेगा चुनाव में? रहेगा रहेगा, विपक्ष लाओगा इस मुद्दे को, लेकिन उस पर वे सफलता नहीं पाने के, महंगाई मुद्दे को लेने के बाद में भी उन्हें कुछ सफलता नहीं मिलने की इसमें। अच्छा अगर सड़कों की बात करें, 5 साल में मुजफ्फरनगर की बात कर लेते, क्या 5 साल में सड़कें वड़के बनी है, सब कुछ ऐसा ही है? भाई मेरे गांव में तो जो मुजफ्फरनगर था शाहपुर रोड थी ऐसी थी, इस पर एक गाड़ी आया करती तो बराबर में वो साइकिल वाला भी नहीं बच पावा था, लेकिन जब से यह सरकार आई इतनी बड़ी रोड होगी, जैसा जीटी रोड जिसे ग्रांड ट्रंक रोड कहे हैं, हरिद्वार से दिल्ली जाया कर था, ऐसी रोड मेरी होगी तो हम और क्या चाह रहा। तो अखिलेश जयंत का जादू चलेगा नहीं चलेगा? भाई मेरी डब्दा तो दिखे बिल्कुल चलता नहीं, यहाँ तो टाटा बाय बाय है दोनों को, कह रहे कि दोनों युवा है, अब की बार युवाओं का ही जादू चलेगा। अजी युवाओं का जादू चलेगा बीजेपी की साथ, उनकी साथ क्या मतलब है उसके से, अब सुन लो अखिलेश की सुन लो, केला हुआ होगा मुख्यमंत्री की दौड़ में, वे 5 उसके ऊपर में राक्षस बटेंगे, फिर में कहा वे नहीं खाओगे, फिर उन्होंने इतना जातिवाद फैला दिया था यहाँ से अखिलेश सरकार में, सारा का सारा मुसलमान रिक्शा वाला भी एक चक्कू काट कर खड़ा हो जाया कर था, कहने लगा 20 में जम्मा भाई देता हो दे दे वहां तैयार कर, क्या करता 20 दिन ने अभी बुलाऊ मंत्री जी को, चक्कू काट ले कर था। तो क्या जब चुनाव आएगा लोगों के बात में बात याद रहेगी दिमाग में कि ऐसा होता था पहले? हाँ बिल्कुल रहेगी जी, ना रहने का तो मतलब ही नहीं है कुछ भी। ओवैसी की भी एंट्री हो गई है? ओवैसी की एंट्री तो बीजेपी को फायदा करेगी और क्या करेगी, ओवैसी को हम भी तो चाह रहे ओवैसी आओ यहाँ से। ओवैसी का फायदा यानी कि बीजेपी को? बिल्कुल होगा, करो कट्टरवाद की बात ऐसा लग जाएगा पता उसको की डाल फरसा बजा फिर यहाँ से। अच्छा हिंदुत्व कितना बड़ा मुद्दा रहेगा चुनाव में? हिंदुत्व का ही मुद्दा है, हिंदुस्तान में हिंदुत्व ही है और है क्या, तो तू थोड़ा बहुत लोग अपना बर्ग लाएगा लोगों को इधर उधर ले जा, अन्य है तो कुछ नहीं है यार। अच्छा सरकार बहुत देखी होगी आपने, कौन सी सरकार अच्छी लगी? मोदी, मोदी अच्छी लगी। योगी जी ने काम किया कुछ? बहुत कर रहा है, मौका मिलेगा दोबारा? अरे मोदी को, योगी को जो ऐसा मिलेगा ऐसा तो दोबारा मिलेगा, ऐसा हटने वाला नहीं है। अखिलेश कह रहे कि हम हटा देंगे। अरे हाँ अखिलेश हटा देगा क्यों नहीं, वो बदमाशी चाह रहा फिर भी बदमाशी आ जा, कह रहा 350 सीट आएगी हमारी, कुछ भी आओ हवा हवा नहीं आती।
अच्छा क्यों नहीं आती है? वो कह रहे हमने काम किया था 2017 में। कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं हुआ। मायावती को मौका मिलेगा? नहीं मिलने का। क्या लग रहा जी, किसकी छुट्टी? किसकी छुट्टी अब की बार? अब की बार किसकी छुट्टी? छुट्टी किसी नहीं, मोदी आओगे यहाँ टूट का। हाँ अखिलेश कह रहे 350 सीटों के साथ मुकालते हैं, मुकालते हैं आ जाएंगे। क्यों रह जाएंगे? काम किया, कह रहे काम किया, काम के नाम पे वोट मांगेंगे। नहीं काम क्या करा उन्होंने बताओ भाई, कराया काम कुछ अखिलेश ने? योगी जी ने क्या किया? योगी ने तो बढ़िया कर रखा। क्या लगता है काम हुआ 5 साल में? 5 साल में काम हुआ, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा सुरक्षा। आदमी रोटी कम खा लगा, चटनी से खा लगा, लेकिन सुरक्षित रहे सबसे बड़ी बात यह है। आज अंगड़ में हम रात को 10 बजे 11 बजे किसी भी टाइम चले जा तो कोई मतलब निडर होगा चले जा, सब सुरक्षा सबसे बढ़िया। और एक बात और कहूँगा मैं, जैसे कह रहे कि भाई ये तो कंपनी चला रही सरकार, ये मुद्दा वो उठा रहे हमारे राकेश टिकैत जी, एक बात, पूंजीपतिवाद और उद्योगपति में अंतर होता है। उद्योगपति रोजगार दें, जो उद्योगपति है मान लिया फैक्ट्री है, गन्ना फैक्ट्री है, तो कम से कम हजारों यहाँ से जो हम लोग हैं, हमारे भाई हैं, वे लग रहे हैं वहाँ से। अगर यह बंद हो जाएगी तो बेरोजगार हो जाएंगे, तो ये तो किसान के मजदूर के बच्चे हैं जो उद्योगपति जिन्हें रोजगार दे रहे। ये कह रहे उद्योगपति को हिंसा भगाओ देश से, बाहर के आओगे फिर अगर हमारे देश के यानी अंबानी और अडानी इन्हें 3-4 के पीछे पड़ रहे, भला इन्होंने क्या बिगाड़ लिया? कितने लाख लोगों को इन्होंने रोजगार दे रखा, ये तो बता दो टिकैत साहब। वो कह रहे कि 2022 में वैक्सीन दे देंगे बीजेपी को। कहीं की वैक्सीन देंगे? साफ कर देंगे अब की बार। वैक्सीन से तो कोरोना नहीं आने का, बढ़िया वैक्सीन मिल जाएगी तो बढ़िया एंटीबॉडी हो जाएगी और उनकी बीजेपी की। तो लग रहा वापसी होगी योगी सरकार की 100%, इसमें कोई दो राय नहीं। योगी जी आएंगे और अच्छे मुख्यमंत्री है और बोल्डनेस है, मतलब निर्णय लेने वाले, ऐसे नहीं है कि निर्णय लेने का कोई और लेगा तो ठीक है। अच्छा सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में? सुरक्षा का, सबसे पहले सुरक्षा यही रहेगा सबसे। महंगाई? महंगाई तो अभी बताते कि पहले से आती आई महंगाई को, जब सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो महंगाई क्या कर लेंगे। हमने वो 2013 का देखा, वहाँ पंचायत में भी गए, क्या माहौल था, क्या बन गया था, वो सारी हमने उसे कोई भूला नहीं। क्या माहौल पहले ही, कवाड़ में क्या हुआ, सोरम में क्या हुआ, हर जगह माहौल ऐसा था कि यहाँ से पूर्व वालियान में ट्रैक्टर रोक दिए गए थे और जाना कैसे कैसे जान बचा कर इधर को आए, रात को वहाँ रुके, यहीं हमले हुए जगह जगह, तो वो उस चीज़ को कोई नहीं भूलने का। अच्छा पंचायत तो 5 सितंबर को भी होने वाली है, कह रहे हैं कि ऐसा माहौल बनाएंगे कोई बीजेपी को वोट ही नहीं देगा। तो राजनीतिक पंचायतें हैं अब जा क्या है, अब इसका रूप बदल गया। पहले तो होती थी रैली, अब रैली कोई नहीं कर रहा, सब पंचायत कर रहे, किसान पंचायत कर रहे, चाहे आप उन्हें देख लो अखिलेश जी को, चाहे राहुल गांधी को देख लो, किसी भी नेता को देख लो, सब पंचायत कर रहे। तो जब पंचायत इसका रूप बदल गया, अब रैली की जगह पंचायत हो गई। खूब बदलाव हुआ भाई। क्या बदलाव हुआ? सबसे जरूरी तो सुरक्षा, सबसे पहला जो चीज थी सुरक्षा का मैं होता हूँ, सबसे जरूरी हुआ। और उसके बाद में अगर और भी चीज़ देखें तो सभी चीज़ों में ठीक है, भ्रष्टाचार बहुत कम हुआ है। अच्छा विकास की बात करें तो विकास कितना हुआ? सड़क पर आए होंगे भाई, वही सड़क देख लो 5 साल पहले क्या थी, या हम अपने गांव से आए वो भी सड़क बिल्कुल ठीक है, 5 साल पहले वो नहीं थी। अच्छा रोजगार पे लेके काफी सवाल उठ रहे हैं कि 5 साल में रोजगार के मामले में फैल रही है, आप भी युवा है आपने भी देखा होगा कि 5 साल में कितना रोजगार मिला भाई। 4.25 लाख गवर्नमेंट जॉब हुई है बिना किसी भ्रष्टाचार के पहली बार, इससे पहले इतना किसी ने रोजगार दिया नहीं, 4.25 लाख ऑन रिकॉर्ड। आज से पहले अखिलेश ने देता कोई 3.25 लाख लोगों को, तो 1 लाख लोगों को ज़्यादा रोजगार मिला है ना, और वो भी बिना किसी एक पैसे के, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अखिलेश जयंत की जोड़ी कमाल कर पाएगी, कह रहे कि 350 पार कर देंगे अब की बार? 103 ज़्यादा ज़्यादा 103 सीट से ज़्यादा नहीं पता। किसान आंदोलन कितना सरदार साबित होगा? कुछ नहीं भाई, उनकी राजनीतिक पार्टी है एक, लोकदल को बढ़ाने के लिए उन्होंने शुरुआत की थी, अब वो खुद ही आ रहे उसमें। अच्छा जिस तरीके से 5 सितंबर को पंचायत भी है, क्या लग रहा है फायदा इसका RLD को होगा या राकेश टिकैत को होगा? मैं दोनों एक दूसरे का फायदा लेना चाहूँगे, फायदा किसी को नहीं होगा, चमासा चल रहा लोग जाएंगे खूब, लेकिन फायदा किसी को नहीं है। अच्छा जो भीड़ आएगी वो कहाँ से आएगी? दुनिया भर की, अंत भी जाएंगे कुछ लोग, हम भी चले जाएंगे देखने क्या कर रहे हैं, लेकिन होना कुछ नहीं। अच्छा। हाँ वो सिर्फ तमाश भीड़ और कुछ नहीं। अच्छा जो भीड़ जाएगी वो लगता वोट देगी? ना ना वोट वाली कहाँ है, वो देखने वाली है भीड़, वोट वाली को भीड़ नहीं होगी।